तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फोन पर नोटिफिकेशन एज लाइटिंग कुछ ऐसा एनेबल कर सकते हो। इसके लिए ऑब्वियसली मैं एक एप्लीकेशन ही दिखाऊंगा और ये एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा लिंक। तो डाउनलोड करने से पहले वीडियो को पूरा देखो क्योंकि एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारा ऑप्शन है और सभी ऑप्शन के बारे में अगर आपको पता होगा तो बहुत ही आसानी होगा आपको इसको कस्टमाइज करने में। तो वीडियो को लास्ट तक देखो। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है नोटिफिकेशन लाइट और ये अभी अर्ली एक्सेस पर है। बट अगर मैं सैमसंग पर दिखाऊं, सैमसंग के फ़ोन पर इसमें लिखा है कि AOD नोटिफाई फॉर सैमसंग, मतलब ये सैमसंग के लिए स्पेसिफिकली अलग से एक एप्लीकेशन आता है, मतलब यही एप्लीकेशन बट सैमसंग के लिए वो ऑप्टिमाइज्ड है। तो अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, सेम एप्लीकेशन है, किसी भी फोन पर डाउनलोड करो, मतलब इंस्टॉल करो। उसके बाद ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा और नीचे लिखा रहेगा नेक्स्ट। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ परमिशन है जिसको आपको अलाउ करना पड़ेगा और सैमसंग के फोन पर ये थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा परमिशन आपको अलाउ करना पड़ता है, जहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नॉट विजिबल और एक शो ऑलवेज। तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहला वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन ही रिकमेंड करूंगा अगर सैमसंग का फोन है तो। दूसरा ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करो, उसके बाद AOD जो है सैमसंग का उसको एनेबल करने के बाद उसके अंदर जाकर जो ऑलवेज वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो। ये सैमसंग पर करना है सिर्फ और बाकी मेथड पूरा सेम है, सभी परमिशन को अलाउ कर दो, देन डन पर क्लिक करना है और उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देन ऊपर जो प्ले वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है, देन आपका जो नोटिफिकेशन एज लाइटिंग वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर प्ले हो जाएगा, मतलब स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको जाना है नोटिफिकेशन लाइट पर और यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, तो इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन तीन इफेक्ट है तो कोई भी एक इफेक्ट को आप यहाँ से अप्लाई कर लो और नीचे और भी बहुत सारे इफेक्ट है बट आपको उसके लिए प्रीमियम बाय करना पड़ेगा। देन बैक जाना है और डायमेंशंस पर क्लिक करना है। अब डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि आप उस जो एज लाइटिंग है उसका डायमेंशन चेंज कर सकते हो खुद से। तो आप अपने हिसाब से अगर डायमेंशन ठीक नहीं लग रहा आपको तो चेंज कर लो, इस यहाँ से XYZ ऐसा कुछ एक्सेस है, थिकनेस, रिसाइज सब कुछ चेंज कर सकते हो। देन बैक आना है और उसके बाद नीचे डिस्प्ले टाइम का एक ऑप्शन है, उसको सबसे मिनिमम रखना है, नहीं तो हर टाइम मतलब नोटिफिकेशन आएगा और ये उतने देर के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पर 2 मिनट लिखा है तो 5 सेकंड कर लो। अब आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन पर और यहाँ पर डिफॉल्ट कलर आप देख सकते हो ब्लू टाइप का कुछ है, पर मैं यहाँ पर रेड करूंगा इसको क्योंकि रेड, व्हाइट और ब्लैक दोनों के ऊपर ही विजिबल रहता है अच्छे से, तो रेड को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर नोटिफिकेशन आएगा तो भी ये काम नहीं करेगा, एक ऑप्शन को आपको एनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपली ऊपर नोटिफिकेशंस पर क्लिक करो, देन ऐप्स पर जाओ और यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन पर आप मतलब इस फीचर को एनेबल करना चाहते हो नोटिफिकेशन एज लाइटिंग उसको एनेबल कर दो। देन बैक आने के बाद अगर आप चाहते हो कि चार्जिंग के टाइम पर भी ये एनेबल रहे उसके लिए बैटरी पर क्लिक करो, देन अगर आप इसको सिंपली एनेबल करोगे तो ये नहीं होगा, प्रीमियम लगेगा। तो ऊपर ऑल वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने से ये पूरा एनेबल हो जाएगा, सभी ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। और एक ऑप्शन है आपको कलर्स पर जाना है और ऐप कलर के अंदर जो भी एप्लीकेशन आपको आप एनेबल किए हो सभी एप्लीकेशन शो करेगा, तो अलग अलग से आप एप्लीकेशन का कलर चेंज कर सकते हो बट यहाँ पर इसके लिए भी प्रीमियम लगेगा। तो प्रीमियम अगर आप परचेस कर सकते हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑप्शन आपको मिलेगा पर मैं रेकमेंड नहीं करता। अब इसको अप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आपको जो नोटिफिकेशन एज लाइटिंग है वो देखने को मिलेगा और ये देखने में बहुत ही बढ़िया लगता है और ये चार्ज थोड़ा सा कंज्यूम करता है, ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। आप लोग कमेंट पर क्वेश्चन करते हो कि ये चार्ज मतलब बैटरी पर कोई इफेक्ट पड़ता है कि नहीं, तो हाँ आपका बैटरी थोड़ा सा कम चलेगा, थोड़ा सा मतलब पहले से 1-2% ही कम चलेगा पर देखने में बढ़िया लगता है। तो जाओ लिंक पर जाकर इंस्टॉल करो और इंजॉय करो। तो इस वीडियो में इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।